हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गॉसिप वाली गली में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जस्टिन बीबर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। दरअसल यह एक तरह का रेयर सिंड्रोम है, जिसमें एक साइड का फेस पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है, और इस सिंड्रोम का नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम। वैसे तो देश और दुनिया के बहुत सारे फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए पोस्ट्स और स्टोरी शेयर की हैं, लेकिन इन सभी पोस्ट में से एक ऐसा ट्वीट था जिसने सबका ध्यान बटोरा। जी हाँ दोस्तों, और वो ट्वीट था अपने लॉकअप सीजन 1 के विनर मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर अपने ट्वीट में लिखते हैं, जस्टिन हम आपकी परेशानी समझते हैं, और यहाँ इंडिया में भी राइट साइड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मुनव्वर के इस ट्वीट पर आपत्ति जताई थी, और अब सेलिब्रिटी वीजे एंडी कुमार ने भी मुनव्वर के इस ट्वीट पर आपत्ति व्यक्त की है। एंडी लिखते हैं, डियर मुनव्वर फारूकी, दिस इज नॉट फनी, यू आर बेटर देन दिस। लगता है एंडी जस्टिन बीबर के कुछ खास ही बड़े फैन हैं। लेकिन इस पर भी मुनव्वर के ऐसे बहुत से फैंस हैं जिन्होंने मुनव्वर को ही सपोर्ट किया, और एंडी के ट्वीट पर एक से एक बढ़कर जवाब भी दिए। एक ने तो ये तक कह दिया कि जब तुम तेजस्वी को बॉडी शेम कर रहे थे और किसी का रेफरेंस भी यूज नहीं कर रहे थे, तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम विश करते हैं कि जस्टिन बीबर जल्दी से ठीक हो जाएं और हमें वैसे ही उनके गाने दोबारा सुनने को मिले। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि क्या आप भी अपने फेवरेट मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हैं या फिर एंडी को। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नई गॉसिप के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।